नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। पाकिस्तान में जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश अजीबोगरीब हो गया। वहां सत्ता के कई नए केंद्र बन गए हैं। एक तरफ आर्मी है तो जो पर्दे के पीछे से रूल करती आई है, दूसरी तरफ है पिंकी पेनी यानी कि इमरान खान की सबसे नई बेगम बुशरा बेबी, जिनके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां बताई जाती हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बुशरा बेगम जादू टोना जानती हैं। उनके कब्जे में कई जन्नात वगैरह है जिनके जरिए वो कई असंभव दिखने वाले काम कर सकती हैं। इमरान खान पर बुशरा बेगम का बहुत प्रभाव है। वो पाकिस्तान की ताकतवर हस्तियों में शुमार होती हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो पिंकी पीनी के जरिए पाकिस्तान अंधविश्वास और काले जादू के उस मकर जाल में उलझा हुआ है जो उसे बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट और ऑथर तारिक फतेह साहब। स्वागत है आप सब, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो जी। मच। ये मौजूद आपने मेरे साथ लिखा, बेचारा बीवियों के शौक में वो कब से घूम रहा है। अब तो उसकी नई जो तस्वीर आई है इमरान खान की, वो जिस लहर मैक्सवेल के साथ, वो जो पिंप थी जी। जिसने, तो ये गलती से मुझसे आज से पहला जी, मैं पहला सवाल आपसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा। आपकी बात, माफी अच्छा चाहती हूँ, मैं आपकी बात बीच में कट रही है। सबसे पहले तो मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बताइए थोड़ा डिटेल में कि इमरान खान के जीवन में पिंकी पीनी आए कैसे, क्योंकि ये अपने आप में एक अजीबोगरीब कहानी है। इसके बारे में अलग अलग अफवाहें चलती हैं सोशल मीडिया पे। आप बताइए कि कहाँ से उनकी जिंदगी में आए। औरत हैं तो इन कोई भी खूबसूरत औरत होगी इमरान खान के रास्ते में तो आएंगी ना। वो शख्स मतलब उससे और क्या तवक्को आपने किया कि वो इंजीनियर है या कुछ साइंसदान है या कोई एकेडमिक है। उसको बचपने से शौक लड़कियों का है, वो अल्लाह ताला उस पे निछावर करता रहता है। एक दफा वो किसी अमेरिका में, जो इंग्लैंड में जिससे इश्क करते थे, उसकी बेटी से शादी कर ली। फिर वो बच्चे हो गए उसको पाक साफ रखने के लिए वहां। फिर वो एक बेचारी ब्रॉडकास्टर थी, रहम उन पे रहम आ गया, उनसे शादी कर ली, फिर उनको तलाक दे दी। अब ये जो है, ये सुना है हमने, देखिए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो औरत जो है पिंकी बेबी, वो उनके ऊपर वाले से भी कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट हैं। तो उनको ख्वाब अच्छा। में आया था कि उनके और उनके मियाँ को कि ऑफिशियल लाइन ये है कि जाओ और मेरी कौम को बचा लो और इमरान ओह खान माय गॉड। के साथ शादी कर लो। तो उनके जो पहले खसम थे, उन्होंने कहा कि बीबी अब मैं क्या करूं, यहाँ तो पैगंबर इस्लाम आ गए बीच में। उन्होंने कहा है कि आप तलाक दे दें इसको। तो उन्होंने फिर अपनी कुर्बानी दे के, अपनी बीवी को तलाक दे के इमरान खान से कहा कि ये आपके हवाले है, इसका जी ख्याल रखिएगा, इसके तो पास जिन्नात भी हैं तो वो सब आप ले लें। तो ये खासी, इसके बड़े बड़े बच्चे भी थे पिंकी जी के, नाम जी उनके हैं बनी है और कोई टिमकी है। ये पंजाब में मुसलमानों को आमतौर पे इस तरह के, जिनकी हालात ठीक हो जाते हैं, वो टॉमी हो जाते हैं या इस टाइप के, आपने सुना होगा। अच्छा। तो ये उनमें से पिंकी हैं। जिस घर में पिंकी ना हो पाकिस्तान में, वो उसका मतलब है वो गए गुजरे लोग हैं। हाँ, ओके और ऑल राइट। उनमें से हैं। और इनको ओके फिर उनके हस्बैंड को ख्वाब आया हाँ कि अपनी बीवी दे दो वो प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो ओके मुल्क संभाल सके, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और औरतों के साथ। और ओके इस तो मतलब लिहाजा कहा यह जाए कि ये बहुत बड़ा उनके ऊपर कहते हैं एक ख्वाब आया उनको, एक खुदाई इलाही इल्हाम आया कि राहे खुदा में कौम की खिदमत के लिए आप अपनी बीवी को दे दीजिए जी, इमरान खान को, आपको ताकि पता, वो प्राइम मिनिस्टर बनके। पाकिस्तानियों का तो आपको पता है कि जिना साहब भी भाग गए थे अपने दोस्त की बेटी लेके, याद है आपको? 16 साल, 2 साल जी तक जना किया मोहम्मद अली जिना, तभी तो उसको कायदे आजम कहते हैं लोग। ये नई बात ओह नहीं है ओके दूसरों की बच्चियां उठा के लेके भाग जाना।
इमरान खान ने एक चीज तो तोड़ी कि किसी की बच्ची नहीं भगाई, किसी की अम्मा भगा के ले गए। तो ये जो बच्चे थे इनके सबसे, इन सबको समझाया गया कि ये मुमलकत इस्लामिया की खिदमत होगी अगर पिंकी बेबी जिनके जिन उनके साथ जिन भी रहते हैं, जिन सारे जिन और पिंकी इमरान खान के घर चले जाएं और वो जो बेचारी रहन थी उसको तलाक दे दी जाए। उसको घर से निकाल दिया गया, ये नहीं आ गई जी। हाँ, तो सवाल यही है कि इमरान खान जो थे वो एकदम कैसनोवा टाइप की उनकी इमेज रही है, और उनकी जिंदगी में हमने देखा कि बीबीसी के एंकर रिहाम खान, फिर जमीमा गोल्डस्मिथ जैसी कई हाई प्रोफाइल औरतें रही हैं। उनका दिल एक, नहीं नहीं सुनिए ना, उनका दिल अचानक एक मतलब कई बच्चों की अम्मा बुशरा बेगम पर कैसे आ गया, मतलब अचानक या तो अलग एक अलग ही प्रोफाइल महिला या फिर पिंकी पेरनी जो की बहुत बच्चों की माँ है, कई बच्चों की माँ, तो ये इतना बड़ा बदलाव कैसे? बदलाव कहाँ से, जब आपकी उम्र ढलती जाती है तो आपकी मार्केट वैल्यू भी तो कम होती है ना। अब आप 26 साल के हैं, आपको गोल्डस्मिथ की अम्मा से इश्क है तो उन्होंने अपनी बेटी दे दी तो उससे बच्चे हो गए, ये तो आहिस्ते आहिस्ते आदमी थक भी जाता है, ढल जाता है कि अब कितनी बीवियां करेगा। तो ये सेकेंड हैंड लेवल पे आ गई, इनका अट्रैक्शन ये था कि कहती मेरे साथ जिन आएंगे तो ये पर्दों के पीछे इनकी में जिन रहते हैं तो उनसे ये टूना टाना कराती हैं, और जो इमरान खान है वो बीवी से पूछते हैं कि भाई रूस पे हमला किया जाए नहीं किया जाए, तो कहती मैं भी आई ड्राइंग रूम में जिन साहब बैठे उनसे पूछ के आती हूँ। फिर वो वहां जाते हैं, कहते हैं कजाकिस्तान में क्या हो रहा। तो ये एक ये जो पैकेज आया है ये सुना है जिनों के एक्सपर्ट्स की वो को कंट्रोल करती हैं ये, और ये नहीं समझ में आता कि वो पर्दे के पीछे क्यों छुप के होते हैं जिन जिन तो है इनविजिबल है। तो ये इतनी शर्माने की क्या बात है कि पिंकी के जिन जो हैं वो पर्दों के पीछे और उनसे गुफ्तगू होती रहती है। तो अब खुशनसीबी है पाकिस्तान को, देखिए इतना अल्लाह ताला ने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर दिया। उनकी कई बेगमात तो इंडिया में भी थी ना, वहां पे भी तो आंटियां बन जा रही थी ना, इंग्लैंड में भी या पाकिस्तान में भी, हाय अल्लाह कितनी अच्छी सेंचुरी बनाई है, उसका पता ही नहीं था। तो वो पिंकी के हवाले हो गए, उनके बच्चों ने, उनके उसके हस्बैंड ने खुद जाके कहा कि भाई साहब वो मुझे हुक्म आया ख्वाब में आया था कि मैं अपनी बीवी आपको दे दूं। उन्होंने कहा ना 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 सर रखिए रखिए, घर पे नहीं जाके तो सर ये आपके हवाले प्लीज। ओके, तो पिंकी पीरनी यानी बुशरा बेगम के बारे में कई तिलस्मी कहानियां बताई जाती हैं कि उनके कब्जे में जन्नात है, परियां हैं जो उनके इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या फिर पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत पे कैसे है पिंकी पीरनी? जन्नात के जो जन्नात है, जो जिन और क्या कहते हैं मौकिल कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरी हालत से निकाल क्यों नहीं लेते फिर? क्योंकि पाकिस्तान से क्या उनका ताल्लुक, उनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, तो पिंकी के हैं, पिंकी अपना काम कराएंगी ना, पिंकी को पाकिस्तान से क्या ताल्लुक हुआ? पीरनी थी ना, पूजा जाके करती थी कि भाई साहब उधर पिंकी दे कोल चले जाओ तो दुआ मांगो पूरी हो जाती। हमारे पंजाब में ऐसे अच्छा। हर गांव में एक आध पिंकी और उनका अब्बा रहता है, तो ये उनकी नहीं। तो अब जो पिंकी के हस्बैंड थे उनको भी समझ में आए कि अगर मेरी पिंकी वहां चली जाएगी तो मेरे काम हो जाएंगे। देखे ना ऐसा इन्फ्लुएंस कहाँ होता है। अभी आपका मोदी साहब तो नहीं देखते कि कोई पिंकी भेज दे उनको, उनको तो दो पड़ पड़ के भगा दिए जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर कैसा पिंकी संभाल के बैठे, आशिक मिजाज है ना, तो अब क्या करें। ओके, मिजाज में फर्क होता है। मोदी साहब जो है वो हिंदुस्तान, उनके ख्वाब में है कि उसको ठीक किया जाए, इनके ख्वाब में है कि इमरान खान जरा ढलती हुई जवानी के अंदर एक बात संभाल लें। तो पहले उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखी, गाय बेचे और वहां की भैंसों को बेचा इन्होंने। जब से पिंकी आई है वहां की प्राइम मिनिस्टर हाउस की इकोनॉमी तो ठीक हो गई है ना।
अच्छा, तो मतलब लिहाजा ये जो सारा खेल था पिंकी पीनी का कि आप जाइए खिदमत कीजिए और इमरान खान को ये भटकता रहेगा ना, तो ये सारी कहानी ये सिर्फ कहने के लिए थी पाकिस्तान को बदलने के लिए या उसके सुधार के लिए कोई काम नहीं किया जाना, तो यही कह सकते हैं। और एक और अगर हम साइकोलॉजिकली अगर इसको देखें तो जब कोई शख्स बुरे हालात में फंस जाता है तो अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्तों पर जाता है, जादू टोना तिलिस्म वगैरह इन सब का सहारा लेने की सोचता है। क्या जी पाकिस्तानियों में के साथ भी ऐसा ऐसी कोई बात नहीं होती कि मतलब ये सारी चीजें जो वहां पे हो रही हैं? उसी का तो नतीजा देख रही हैं आप। वो जाते ही पीरों फकीरों के पास है, उन्होंने कौन सा जाके कोई ढंग का काम कर लिया। उनका तो जब कोई मसला होता है तो वो मन्नतें मांग लेते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये इसको मैं शहीद करा दूंगी, ये अल्लाह ताला तू ले जा कश्मीर, इसको बम फड़वा दे, कुछ कर दे ताकि हमारा यहाँ जमीन पे बंदे। ये आप नॉर्मल लोगों से नहीं डील कर रही, ये पिंकिस्तान हो जाएगा मतलब जब कि हालात हाला पाकिस्तान से। हालात ठीक करने के हमें कोई शौक नहीं है। हमें शौक है जन्नत जाने का, वहां हमारे लिए बहत्तर हूरें बैठी हुई है। पिंकी अगर दिल भगावा जाती है, हमारा क्या जाता है इसमें भाई? जिना साहब भगा के ले गए अपने पड़ोस की बेटी को, तो उसको कायदे आजम बना दिया, तो शायद इसको भी कायदे, कुछ भुट्टो साहब थे उन्होंने मरवा दिए लोगों को, कायदे अवाम हो गए। तो कायदे मिल्लत भी थे, एक लियाकत अली खान आपके हरियाणा से, एक कायदे किल्लत भी थे। ये पाकिस्तान है, पर बीबी इसको आप माफ कर दें। ये अल्लाह ताला ने आई है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि ये होगा हशर तुम लोगों का, अगर तुम कायदे आजम बनाओगे उस शख्स को जिसको ये नहीं पता था कि मस्जिद में जूते उतारे जाते हैं। गांधी जी ने जिनाजे का गुजराती में कहा जूते तो उतार, मैंने कहा जूते क्यों उतारू, मैंने कहा मस्जिद है, बोले हैं मस्जिद में जूते उतार। सारे आपके यूपी बिहार के मुसलमानों ने कहा आवाज आ, ये मुसलमान अच्छा, ये कभी गया ही नहीं है मस्जिद। तो पिंकी मिलेगी ना, और कौन मिलेगा इस चक्कर में? मदर हाँ, टेरेसा तो तो मिलेगी। कहा कहा ये जाना चाहिए कि अगर हम इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के घर से लेके एक आम आदमी के घर तक सबके हालात देखी, जैसे सब जादू टोने और टोटको के चक्कर में पड़े हुए अपने हालातों को सुधारने के लिए, जबकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्टोरी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जाती है मुसलमानों के सामने कि आपको ये शहद की नदियां, दूध की नदियां, ऐसा ऐसे बाग, वो फल फ्रूट्स और ऐसी 130 फुट फीट की हूर मिलेगी, तो ये सारा ये सब देखा किसने है, मतलब कौन देख के आया जो उसका आके ग्राफिक्स तैयार करके दिखाता है लोगों को और अलग ही राह पे ले जाता है कि भाई आपको रोमांस करने के लिए 130 फीट की हूर मिलेगी। देखिए ये जो कौमें जाहिल हो जाती हैं, जिन मेवट के जैसे, जहां कोई स्कूल नहीं है, जिनकी माएं कभी पढ़ने के लायक नहीं रहीं, जिनको जिनको फ्यूचर पास्ट में नजर आता है। देखिए ना, जो आप गाड़ी चलाती हैं तो जो रेयर व्यू मिरर है वो प्राइमरी व्यू नहीं है आपका, वो गाड़ी चलाते हुए आप झांकी मारते हैं कि मैं, मेरे पीछे कौन है। हम वो हैं बिल्कुल पाकिस्तानी, जो हमारा मेन देखने का जो है वो रेयर व्यू मिरर है, सामने का जो है वो छोटा सा एक लगा होता है कि आगे कोई नीचे आया नहीं आया, हमने कहा छोड़ो यार चलते हैं अपनी जन्नत की तरफ से। ये मरने के शौक में मरे जा रहे हैं कि किसी तरह मौत आए, और तो हमारी गर्लफ्रेंड बनती नहीं, वहां चांस ले लेते हैं यार मरने के बाद तो कोई हमारी शक्ल देख ले, यहाँ गंदी गंदी एक एक वो टोपी का अंडरवेयर सर पे पहन के चले जा रहे होते हैं, पजामा कुर्ता पहने हुए। कौन इनके नसीब, कौन जाएगा? मौलाना साहब चले, मैं आपके साथ डेट पे चलती हूँ, कोई भी नहीं जाएगा। तो वो इस चक्कर में बैठे होते हैं, कोई वहां कोई तो हमारा हाथ पकड़ेगा, हम फिर शर्मा जाएंगे। वो आपके एक मौलाना साहब आए थे टीवी इससे पे, ही जी वो बहुत ही बेचारे परेशान हो गए कि
औरतों को क्या एतराज हो सकता है कि उनको यू नो उनको जन्नत में अपना पुराना शौहर मिलेगा, और शौहर जो है वो आगे फिर रहा होगा बातर हो। और शौहर बातर हो रहे कौन दूं? आप सोचिए जो लोग इस बात पे उनको मजा आए कि शहर शहद की नदी, आप शहद में उंगली डाल के देखिए आपको दो मिनट लगते चाटने में और साफ करने में चिपक जाता है, ये कह रहे हैं हम शहद की नदी में कूद जा पागल हो गए, पानी में कूदता आदमी वो यहाँ नसीब है, जाके समंदर में डूब के मर जाओ, हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? आप फिक्र नहीं करेंगे पिंकी बीबी जो है ये डबो के जाएंगी सबको शहद की नदी में डूबे हुए ना, वो जो गाय बकरियां बेची थी, कैन यू इमेजिन? हमको तो ये भी नहीं पता था कि प्राइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में भैंसे बांधी हुई है, गाय घूम रही है, क्या काम है गाय का या भैंस का या बकरी का जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूम रही है? आपने सुना है प्यूटन के यहाँ भेड़िया घूम रहा है या या अपने जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसके यहाँ कोई राइनोसेरस घूम रहा? ये कैसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर जंगली जानवर घूम रहे? अभी एक सोशल मीडिया में एक मीडिया रिपोर्ट देखी थी, मेरी एक बात सुने, आप इस पर ज्यादा तशवीश ना करें, ये खुद ही झुलस के अपने आप को पीटते पीटते ये एक दिन बैठ जाएंगे, इनसे ना इनसे कोई उम्मीद नहीं रखिए कि ये कोई मैथमेटिशियन निकालेंगे, वो एक परवेज हुड बॉय है वो काफी है, एक आध सैंपल के तौर पे अकलमंद आदमी निकल जाता है, बाकी इनसे कुछ होना हवाना नहीं है, क्योंकि जब भी ये बात करते कहते या अल्लाह मैं मर जाऊं शहीद हो जाऊं, और एक हिंदुस्तान में देखिए आप लोगों ने शहीद वर्ड जो है जो हिंदुओं को मारने वाले को कहते हैं वो आपने अपनी फौज के साथ लगा लिया, आप कम नहीं है इंडिया में, शहीद का वर्ड कहां से आपने लगा दिया? और गाजीपुर और गाजियाबाद, अरे वो तो हिंदुओं को मारने के लिए जो बच जाता था मुसलमान उसका इलाका होता था गाजियाबाद, गाजी तो वही है ना जिसने काफिर को मार के जिंदा रहा, अब आप बेवकूफ बना दिया आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स ने तो आप बने में, तो पिंकी तो हमारा एंटरटेनमेंट है, इट इज अ सैड केस, आई एम टेकिंग इट फ्रिवोलसली, बट ये कॉमेडी है, ऑनेस्ट टू गॉड ये कॉमेडी है, ये दुनिया में कहीं हो ही जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम सवाल और है कि अक्सर देखा जाता है कि पिंकी पिंकी जैसे जादू टोना करने वाले लोगों के पीछे कोई और ही शख्स होता है, तो क्या बुशरा बेगम के पीछे भी कोई और है या वो किसी और का मोहरा है जिनके जरिए पाकिस्तान पर वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं? वो जनरल्स होंगे, देखिए ना आप पाकिस्तान के अंदर हर इमरान खान का बाजवा होता है, हर भुट्टो का अयूब खान होता है, हर जियाउल हक का एक प्राइम मिनिस्टर होता, ये ड्यूअलिटी जो है पाकिस्तान में, देखिए एक चीज समझिए, ये इनके इनके क्या हम आप सभी मुसलमान हैं, इनकी एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि जिस दारुल खिलाफा पे मुसलमान का एक दफा कब्जा हो जाए वो वापस नहीं दिया जाता, यानी स्पेन और हिंदुस्तान पे आप हर एक की नजर है, तभी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तारिक और भाई का नाम महमूद रखा था कि यही जाएंगे महमूद गजनवी के और तारिक बिन ज़ियाद, इट इज अ जेन्युइन बिलीव, अगर आपने कभी ग्रीस पे कब्जा किया था तो जब तक ग्रीस में हर आदमी मुसलमान नहीं होगा तब तक दुनिया रास्ते नहीं चलेगी, इसी तरह हिंदुस्तान में जब तक दिल्ली पे और हिंदुओं पे मुसलमानों की का राज नहीं होगा हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होगा, और ये जो मौलवी लोग आपके टीवी पे कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे होते हैं क्योंकि इनको झूठ बोलने की भी इजाजत है, तो ये जो वो लोग जो शियों को मारते हैं हिंदुओं के सामने आके कहते हैं शिया हमारा भाई है, और जब पूरी दुनिया में मुसलमान में कहीं पे शियों को पनाह की जगह नहीं थी तो हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में मिली,
ये भी इनकार करती है। पिंकी क्या करेगी, हम सारे पिंकी हैं। हम आपने इमरान खान को नहीं देखा था तस्बीह लेके बैठा हुआ था ट्रंप के सामने, शलवार कमीज सोने का वो है ड्रेस है, इसको बेडरूम का ड्रेस कहते हैं, उसमें चला गया व्हाइट हाउस और वहां बन तस्बीह से जादू कर रहा था ट्रंप पे। अरे ट्रंप पे कोई जादू कर बट ही डिडंट इवन नो हाउ टू ड्रेस अप, सीधा बिस्तर से निकल के व्हाइट हाउस चला गया। तो ये समझते हैं कि ये इनकी जायदाद है, ये मुस्लिम लीडर हैं और ये सारी दुनिया इनकी लिए बनी। और पिंकी बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिनों जी कुछ दिन पहले देखा था कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर सऊदी के एक वो जो फॉरेन डेलीगेट थे उनके सामने एकदम टांग पे टांग रख के जूता उनके मुंह पे रख के बैठे हुए थे, बहुत ही बेहूदगी के साथ। वो तो कहते हैं कि वो हैं प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों में से, वो जो शाह साहब हैं हमारे, आपको पता नहीं कि उनसे पूछा आपका कारोबार क्या था, ही जस्ट यूज्ड टू कम सिट एंड पीपल वुड कम एंड गिव मनी। अच्छा, कि रसूलुल्लाह की फैमिली से हैं, उनके कदमों में पैसे डालते थे, उनको क्या पता है कि नौकरी क्या होती है। इनमें से किसी ने पूछा आपका पहला जॉब क्या था, बोले प्राइम मिनिस्टर। इन सब से बेहतर थी वो बेनजीर भुट्टो वाकई, जिसने तकलीफ भी सही की और जिसको अक्ल समझ भी थी, उसको शूट करके मार दिया इन्होंने। बिल्कुल, ये पिंकी वाले ही थे सारे फौजी बौजी इधर उधर के। So we are in deep crisis, not because there is Pinky, but because first of all, हम आप किसी बच्ची का नाम Pinky रखेंगे? अरे उसका उसको कुछ उस रंग का पंजाबी में या उर्दू में नाम कह देते, Pinky कहाँ से हो गया? कोई एक टोनी होता पंजाबी मुसलमानों में और एक Pinky होती हर पैसे वाले के घर में, और वो खुश रहते हैं कि हमने तो देखा ना दादा तो तेरा नाम टोनी है, टोनी चाय लेके आओ। इनको माफ कर दो बीबी, ये इस काबिल नहीं कि इनसे ज्यादा बहस की जाए। इनके और जिस दिन पंजाब अफगानिस्तान की तरह लैंडलॉक कर होगा कि इसमें पानी नहीं आएगा, तब इनको होश आएगा कि अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं बेचारे पश्तूनों के साथ, उनको भूखा नंगा रख के वो चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान से, उस दिन पता चलेगा इनको पिंकियों को और इम्मियों को और उनकी आंटियों को कि होती क्या है पसमानदगी, होता क्या है गुर्बत और लोगों का खून चूसना। उस वक्त तक तो ये बैठे हुए, ये चुटकी बजा के नौकरों को बुलाने की आदत यहाँ कैनेडा में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। हमारे पड़ोस में यानी हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स रहते हैं, वो भी वेल्दी पीपल, कभी सोचा भी नहीं किसी ने कि किसी नौकर को या ये कर रहा है, जो करना है आपको खुद करना होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की एक्सचेकर में पैसा नहीं है और ये अपने खर्चे कर रहे, कभी इससे मांग के उसको दे देते हैं, ये तो चालाक फकीर नहीं होता जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं चौराहों पे, आपको दिल्ली में भी नजर आएंगे, इस कराची की मात्रा का आप सोच भी नहीं सकते, ये उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, पिंकी पीनी हमेशा से एक और एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमेशा सर से लेके पैर तक ढकी हुई नजर आती है, उनके बारे में कहा जाता है कि आईने में उनकी परछाई तक नहीं दिखती है। ऐसे में शक पैदा होता है कि पिंकी पीनी कोई आदमी भी हो सकती है, बुरके में ढके हुए कई लोग पिंकी पीनी के किरदार में है, कौन है ऐसी ऐसी, कहीं ना कहीं हम ऐसी अफवाहें ऐसी कहानियां सुनते रह चुके हैं, और पहले भी हमने देखा है कि चाहे हम सद्दाम हुसैन की बात करें, गद्दाफी की बात करें, उन सब के कई कॉपीज और इस तरीके उनसे हम शक्ल रह चुके हैं। बनती थी सब बुर्का पहनती थी, ये उसामा बिन लादेन बुर्का पहन के भागी, वो भागी अपनी वो जो कंदहार में थी तालिबान की लीडर, ये एंड में होती है बुर्का पहन के भाग, बाकी बेचारे जो इनके किराए के टट्टू होते हैं वो लड़ रहे होते हैं मर रहे होते हैं, अल्लाह अकबर कर रही है भाग जाती है पीछे से।
ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि पिंकी पीरनी की जगह कोई पिंकी पीर या कोई टोनी हो, हाँ बिल्कुल, टोनी पीर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए मैं आपको पहले कह रहा हूं कि मोहम्मद अली जिना, जिसको पाकिस्तानी कायदे आजम कहते हैं, वो अपने दोस्त की बेटी लेके भाग गया, तभी तो उसे कायदे जी आजम कहते हैं। किसी को नाराजगी बहुत इस फायदे बात का की काम किया था वो ना। कहते हैं यार कमाल का बंदा, देखो यार अपने ही दोस्त की बेटी लेके भाग गया। 2 साल तक वो ढूंढते रहे किधर गई, वो 16 साल की थी, ही बस 40 years old, हम्म, 99 में था। 18 साल की उम्र हुई तो शादी हुई फिर, और फिर उस अपनी बेटी को आग कर दिया कि तुम जोरास्ट्रियन से शादी नहीं करो। इसका नाम पिंकिस्तान कर देना चाहिए पाकिस्तान की बजाय, क्योंकि पिंकी बिल्कुल रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट इज इविल अबाउट दिस थिंग, कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और खोद के देखें तो बिल्कुल ही तीसरी चीज। दुनिया में कहीं हो सकता है कि फर्स्ट लेडी गायब है, पता ही नहीं फर्स्ट लेडा है या लेडी है, किधर है वो, सऊदी अरेबिया गई, उन्होंने वापस भेज दिया, अपने जहाज में बैठने नहीं दिया था इनको, इनके पास जहाज नहीं था यूएस जाने के लिए, तो सऊदियों ने प्लेन दिया और कहा इस ये जो गोदाम का बैग तुम चढ़ा के लाए इनको तो भेजो भैया यहाँ से, पता नहीं कौन है ये। शी वॉज सेंट बैक, और वॉशिंगटन में उतरने के बाद कोई लेने नहीं आए इन्हें, ये वहां की बस में बैठ के आए, इनको शर्म नहीं आई, क्योंकि उनके लिए बस तो अरेंज कर नहीं सकी, बाकी पाकिस्तान चलाएंगी। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बुल्ले शाह जैसे अजीम व शान रूहानी हस्तियां जिनकी एक उनका वकार रहा है, उन्हें छोड़कर पाकिस्तान के लोग मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी और पिंकी पिंग जैसे सस्पिशियस किरदारों को कहीं ना कहीं उनमें रूहानी सुकून क्यों तलाशने लगे? ये बदलाव कैसे आया देखिए बुल्ले शाह सब, से? हाँ लेकिन पाकिस्तान मुसलमान पंजाबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैं खुद पंजाब से हूं, कि इनको अपनी जबान से शर्मिंदगी रहती है, इनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक है कि ये पंजाबी, अब तो खैर कुछ बोलने भी लगे हैं लोग, शायद मेरी गाली गलौज सुन लेते हैं, तो वो होता ये था कि पंजाबी जबान सिर्फ नौकरों से, बीवी को मारते वक्त, जुए में हारते वक्त, शराब पी के, ये उस एरिया की जबानें थी। आपने अगर कोई नॉर्मल किसी से बात करनी है तो वो पंजाबी में उर्दू बोल के अपना हंसी मजाक उड़ाते थे। आपने जो देखा वो चौधरी जो है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, क्या है उनकी, एक फवाद दफा मैंने, चौधरी, हाँ टीवी पे भी फवाद आए थे, मैंने चौधरी कहा जबान तो तय कर लो किस एक्सेंट में कौन सी जबान बोल रहे हो, वो दे विल पंजाबी में नेवर, अंग्रेजी बोलते हैं। ही विल नेवर स्पीक इन हिज मदर टंग, नेवर। ये जलंधर का है इमरान खान, कहता मैं पठान हूं नियाजी, ये इतने झूठे लोग हैं कि दे फील दैट अगर पंजाबी बोल ली तो आप बताइए 70% पाकिस्तानी पंजाबी है एंड दे आर इलिटरेट इन देयर मदर टंग। कहीं दुनिया में आप ये देखा है आपने कहीं, कभी हो सकता है बिल्कुल कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोग बंगला से शर्मिंदा हो, या तमिलनाडु में बोलेंगे हम तमिल नहीं बोलेंगे, तो मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि ये सब के सब गलत किस्म की उर्दू बोलते हैं, गलत अपनी नेशनलिटी बताते हैं कि कोई इन्हें पंजाबी ना कह दे। 800 साल से मेजोरिटी में है मुसलमान पंजाब में, आज तक उन्होंने अपने ऊपर हुकूमत नहीं की, ना उन्हें शौक है, कहता है को अंग्रेज आएगा तो करके चला जाएगा, कोई रंजीत सिंह आएगा वो ही कर ले। इनके बस की बात नहीं है कि कभी ये अपनी सॉवरन एटीट्यूड, अपनी मैनेजमेंट खुद करें, ना इन्होंने शहर बनाए, ना इन्होंने लाहौर और कसूर तो लॉर्ड राम के बेटों के नाम पे हैं, इन्होंने आप नहीं सुनेंगे ये सिर्फ लायलपुर को फैसलाबाद कर देंगे कि सऊदी अरेबिया से पैसा मिले। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज लैंड, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने पे शर्मिंदा हो कोई, ये मुमकिन ही नहीं है। सोमालिया के अंदर सोमाली ना कोई बोले, ये सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी है,
और क्योंकि ये रूलिंग क्लास है तो आप इनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके जोड़ों में बैठ गई, इनके आप पिंकी से जिस दिन वो बोलेंगी आप देखेंगे इतनी वाहियात किस्म की उर्दू बोलेंगी कि आप उर्दू बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि वो पंजाबी में नहीं बात करेंगे, पंजाबी में वो सिर्फ उससे बात करेंगे जब बच्चों को डांट, अगर बच्चे को, मतलब मुझे नहीं पता इस इतलात नहीं पहुंची है कि दो गोरे बच्चे और कुछ और बच्चे इंडिया में हैं और कुछ अमेरिका में हैं, इनके अलावा भी कोई हों, तो आई डोंट थिंक ही हैज चिल्ड्रन पिंकी चिल्ड्रन, बट दैट्स हाउ वी ऑपरेट। आप उस मुल्क में 500 किताबें अंबर अगर बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है, 250 मिलियन में से 500 बिकना बेस्ट सेलर है, इतनी तो आपकी दुकान मार्केट में बिक जाती है, रेडी पे बिक जाते हैं खड़े होकर, रेडी पे। आप कहीं चले जाइए दिल्ली में, खान मार्केट वाली दुकान तो मुझे याद है क्योंकि उम्री शक्ल देखी नहीं किताब, आपको ऐसी किताबें पहले कराची में होती थी, लाहौर में होती थी, अब वहां मतलब क्या होते तोते, एक्वेरियम्स, कारपेट्स, इंटीरियर डेकोरेशन, वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां किताबें वजन से बिकती हैं। अच्छा। अमन की आशा वाले जो आंटी है ना कि अहले दोस्ती हो जाए सबके अंदर, इतना अच्छा ये इंटीरियर डेकोरेटर इनके पर्दों से मैच करती हुई किताबें खरीदते हैं वजन से, फिर वो कहते हैं बीबी इससे मैच कर रहा, नहीं 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 पर्दों से क्लैश कर रहा, तो फिर वो किताबें फिट कर देते हैं, ब्लू इधर लगा देना भाई और नीले बैक कवर की जरा इस पे नीचे ऊपर नीचे कर दो, तो अच्छा सा कर। आई हैव सीन दिस, नोबडी रीड। तो क्या आप इंडिया से करेंगे, क्या इकोनॉमी चलाएंगे या इकोनॉमिस्ट नहीं है आपके पास? वो एक इकोनॉमिस्ट आया, उसने कहा ये तो अहमदी मुसलमान है, इसका तो कत्ल वाजिब है, वो भाग गया उसके चक्कर में कहां पहुंच गया। मैं अगर जाऊं कराची तो एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही मैं पाउडर की तरह गायब हो जाऊंगा। दे किल पीपल हु, देखिए एक होता है रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग की फिर वैलिडेशन होती है आपका, आपका दिल जो चाहता है, यू नो देयर इज समथिंग रैशनल, देन देयर इज समथिंग दैट यू नेचुरली लाइक, एंड उसमें आर्किटेक्चर है, उसमें पेंटिंग है, पर कहीं तो एक्सेल कर जाए ना। रैशनल थिंकिंग का मतलब है कि आप इब्ने रुश्द को पढ़े हैं और कहें कि खुदा है या नहीं है, है ना, ये तो मुतज़िला लाइक भी कहते थे कि कुरान अल्लाह की बताई हुई किताब है या खुद किसी ने लिखी है, ये तक आज से 900 साल पहले मुसलमान डिस्कस कर रहे थे। आज आप कर लीजिए पुरानी दिल्ली में जाके ये बहस, वो जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही ना उसी की वायरें लगा के आपको जलस के मार देंगे कि ये बात सोची कैसे तुमने। तो हम